Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम केमिस्ट्री के चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसिड बेस एंड साल्ट, ये जो है इसका बेसिक रूप 8 में थोड़ा सा चर्चा किया गया है, 8 क्लास में, एंड उसके बाद 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इससे बहुत सारे जो है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 8th 10th में अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को जरूर देखें, आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में इससे अम्ल क्षारक और लवण से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह सभी आपसे बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले, ठीक है, तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई में अम्ल क्षारक लवण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से चर्चा करेंगे यहाँ पे, टोटल एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या है, ठीक है, अम्ल का डेफिनेशन जानेंगे। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होता है वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, ठीक है, स्वाद में खट्टा हो या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है, अम्ल कहते हैं। अब लिटमस क्या है? तो ये लिटमस जो होता है, लिटमस वह सूचक होता है, एक प्रकार का सूचक होता है, यानी अम्ल या क्षार जांचने का एक साधन होता है। उसके माध्यम से हम जांच सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। अगर उस लिटमस पत्र पे अम्ल से कुछ बूंद डालते हैं या क्षार से उस पे क्षार को डालते हैं तो अलग अलग क्रिया दिखाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो लिटमस क्या हो गया? लिटमस या सूचक भी बोल सकते हैं, वह पदार्थ, या ऐसे बोलेंगे कि लिटमस होता है एक प्रकार का सूचक होता है जो यह बताता है कि कोई पदार्थ की प्रकृति, किसी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। ये क्या है कि बतलाता है कि किसी पदार्थ की प्रकृति क्या है? अम्लीय या क्षारीय, ठीक है, अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय जो है बतलाता है। अभी लिटमस जो होता है प्राकृतिक भी हो सकता है या कृत्रिम भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। ये दो तरह के होते हैं, लिटमस जो होता है कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम, ठीक है। यानी ये जो है प्रकृति में उपलब्ध पदार्थ से, वस्तु से सूचक तैयार किया जाए, और इंसान के द्वारा किसी केमिकल के द्वारा बनाया गया हो तो वह होता है कृत्रिम। जैसे गोभी का पत्ता हम लोग प्रयोग में लाते हैं, हल्दी लाते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया प्राकृतिक सूचक, हो गया प्राकृतिक लिटमस हो गया, ठीक है। और कृत्रिम में जो होता है ये जो होता है रासायनिक पदार्थों के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है, इसमें क्या होता है? रसायन होता है, केमिकल मिलाया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कृत्रिम लिटमस बोलते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक चीज देखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड तो गैस भी है, और किस कंडीशन में हम इसको अम्ल बोलते हैं? HCl,
अगर सपोज मान लीजिए सीधा लिखा हो HCl और कोष्ठ में G लिखा हो तो गैस के रूप में है, HCl गैस के रूप में है यहाँ पे। अगर यही पे लिखा जाए HCl कोष्ठ में लिख दे इक्वा, इसका मतलब हो गया कि इक्वा का मतलब बिलियन होता है, इसमें जल की मात्रा है, ठीक है। तो क्या हो गया HCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्ल होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है। इसका नाम जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, क्लियर। चलिए और सारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, CH3C OH इसको मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत क्या है अम्ल के बारे में, तो उन्होंने बताया कि वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता हो, ठीक है, प्रोटॉन प्रदान करता हो यानी प्रोटॉन का त्याग करता हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, ओके। जैसे यहां पे CH3COOH, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन जो है यह हटा सकता है, अलग कर सकता है, अलग कर देगा यहाँ पे तो CH3COOH पर माइनस हो जाएगा, ओके। फिर नोट में है कि कुछ आयन भी प्रोटॉन प्रदान करता है, कुछ आयन भी प्रोटॉन प्रदान करता है तो क्या अम्ल होगा, एकदम होगा। अगर प्रोटॉन प्रदान जो भी करे, ठीक है, आयन भी अगर प्रोटॉन प्रदान करता है तो वह क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई आयन जो है प्रोटॉन प्रदान करता है किसी अन्य पदार्थ को, वह प्रोटॉन जो है एक त्याग करता है प्रोटॉन का, तो क्या वह अम्ल होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। चलिए यहां देखिए H3O+ एक आयन है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, इस एक हाइड्रोजन का त्याग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो H+ निकाल देगा बाहर, तो बना क्या, जल, त्याग कर दिया तो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो प्रोटॉन का त्याग करता है वह क्या होता है, अम्ल होता है। चलिए अम्ल का कुछ गुण होता है, अम्ल के गुण होंगे क्या होगा, वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। पहला गुण, अम्ल का पहला गुण क्या है, वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ठीक है। चलिए स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, इमली खाए खट्टा लगा, अम्ल उसमें पाया जाता है। आम कच्चा आम खाते हैं खट्टा लगता है तो उसमें भी अम्ल पाया जाता है। टमाटर खाते हैं टमाटर भी खट्टा होता है उसमें भी अम्ल पाया जाता है। और सारे इस तरह के जो है प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को जो है लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का सूचक ही है, ठीक है, तो इसको भी क्या करता है, लाल कर देता है। अगर अम्ल और क्षार जांचना है तो मान लीजिए कि अगर कोई बिलियन दे दिया गया, ठीक है, उसमें से हम कुछ बूंद उठा करके लिटमस पे डालेंगे, ठीक है, और लिटमस पे डालेंगे तो वह लाल हो जाएगा। अगर लाल हो गया लिटमस तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा, वह पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर लाल हो गया तो अम्लीय होगा और नीला हो गया तो क्षारीय होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर हम अम्ल को क्षारक से मिला दें, अम्ल को क्षारक से मिला दें तो क्या होता है, उदासीन करके लवण का निर्माण करता है, साल्ट का, नमक का निर्माण करता है और साथ ही जल का त्याग करता है, मतलब साथ साथ जल का भी निर्माण बंद हो जाता है,
ठीक है। देखिए जब भी ऐसे कहीं हो सकता है बैटरी में तेजाब वेजाब बदलते समय अगर गिर जाए बॉडी पे, तो अच्छा पे गिर जाए तो वह जला देगा, तो तुरंत वहां पे अगर चूना डाल दिया जाए तो क्या होगा, जलन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी अम्ल कहीं गिरे तो उस पे छार अगर पड़ गया तो दोनों उदासीन हो जाता है, ठीक है, उदासीन हो जाएगा तो वह जो है आपका जलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिए कि अगर अम्ल जो होता है, अम्ल बहुत ही खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस, अगर वे जो है नंगे त्वचा पे गिर जाए, जहां पे भी गिरेगा वह जो है शरीर को जला सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका तरीका आपको पता चल गया कि जब भी अम्ल शरीर पे गिरता है तो उसके लिए क्या चाहिए, छार चाहिए, ठीक है, छार अगर लगा देंगे तो आपका जलन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि प्रबल अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, प्रबल अम्ल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, उससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करे, मान लीजिए किसी एक बिलियन में कोई अम्लीय पदार्थ है या अम्ल है, ठीक है, तो इससे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे जो है विद्युत पास करेगा, ठीक है, करंट क्या होगा, पास करता है, विद्युत धारा पास करेगा। चलिए दूसरा, अम्ल जो होता है धातु से अगर क्रिया करें, अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो वह धातु का क्लोराइड सल्फेट, ठीक है, बनाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां से हम क्रिया करा के दिखाते हैं, HCl अम्ल है, ठीक है, किसी धातु पर डालते हैं सोडियम पे, तो ये बना देगा आपको NaCl और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन जो है बाहर हो जाता है गैसीय रूप में। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे अम्ल क्षारक और लवण का निर्माण कैसे होता है। अगर कोई जो है अम्ल ले ले हम यहाँ पे, मान लीजिए कि HCl ही हो, एक क्षारक ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखिएगा तब क्या होगा, NaCl, NaCl और ये जो है मिलकर के क्या बना, इधर जाओ, ठीक है, ध्यान दीजिए कि अम्ल और क्षारक मिलता है तो लवण का निर्माण होता है, साथ ही जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, NaCl का, इसी को हम बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं उसमें आयोडीन मिला दिया जाता है, साधारण नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन नमक वही है। अगर हम दुकान में जाके अगर कहे कि हमको NaCl दीजिए तो कोई समझेगा नहीं, वही नमक कहते हैं तो तुरंत समझ जाता है, ठीक है। तो जो नमक खाते हैं उसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखेंगे कि टाइप ऑफ एसिड, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है,